एक बार उनसे अब पूछने का तो काम करो, जब पर्ची लेके आते हैं तो मैं क्या बोलूं। अब आप लोग बताओ उनका क्या करना चाहिए। मैं उस दुष्यंत चौटाला ने नू पूछू हूँ, उसकी माँ ने बनाया था वो दुष्यंत चौटाला, अगर डिप्टी सीएम उच्चैन आया ने बनाया था, उसका परिवार ने नहीं बनाया, डिप्टी सीएम इस उच्चैन आया ने बनाया था। 48,000 का वरना का लड़का है। मैं पार्टी ज्वाइन करूंगी कौन जी, मैं तो छिकलीन था। 20 साल दे दिए मैंने, 2009 में मैं ब्लॉक समिति मेंबर बनी थी, सारी महिला बिक गई, सिकम खड़ी रही इन एलो के साथ, 5 साल खड़ी रही, 5 साल कुंड में बैठ कर टाइम पूरा करया। कांग्रेस ही पीछे भी देवे थे और नौकरी भी देवे, नौकरी भी लेंदी पीछे भी लेंदी, आज राजनीति में एक ऊंचा पद पाऊंगी। और रह गई बात इसकी तो जिला परिषद, इसने तो नू लगा सिक्किम जिला परिषद लड़ेगी, क्यों लड़ेगी जिला परिषद, सिक्किम के उत्प्रस जा रहे हैं कि आनी जानी है, तड़का फिर बिकना पड़ेगा, हमने बिकाऊ माल को नहीं, हम इसकी तरह जे फिर बीजेपी का उसमें गोदी में जाकर बैठनी है को नहीं, हम सच बोलने वाले हैं, दो रोटी चाहे तो सड़क पे बैठ के खानी हो, पर इसकी तरह गद्दार को नहीं। तो भाई सभी साथियों से निवेदन है, एक बार जो उच्चैन हल्के के लोग है वो जरूर जुड़े, क्योंकि जो कल दुष्यंत चौटाला जी ने बयान दिया था उसी पर हम आप लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे, क्या कुछ आपके विचार हैं। नमस्कार डॉक्टर सिक्किम जी। हाँ जी बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही क्या? जो कल दुष्यंत चौटाला जी करसिंधु गांव में पहुंच रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो टोल पर लोग बैठे हैं वो पर्ची पकड़ा रहे हैं, क्या उनका काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? मैं उस दुष्यंत चौटाला ने नू पूछू हूँ, उसकी माँ ने बनाया था वो दुष्यंत चौटाला, अगर डिप्टी सीएम उच्चैन आया ने बनाया था, उसका परिवार ने नहीं बनाया, डिप्टी सीएम इस उच्चैन आया ने बनाया था, 48,000 का वरना का लड़का है उच्चैन आया ने, पर्ची कौन पकड़ावेगा, उच्चैन आले पकड़ावेंगे, मारे अंदर दम था और मारा जमीर जिंदा था तो हम लड़े अपनी कौम कैथर, मारा हक था और लड़ना में हम लड़ लिए, तो फिर इसमें दुष्यंत चौटाला में क्या दिक्कत है? जे पर्ची उसने नहीं पकड़नी ना पकड़ो, पहली बात तो गलती उनकी सामने की, अभी इसे तुष्ट का भरना गए, दूसरी गलती या ले इसका जो सरेआम बयान था ना ये बिल्कुल शर्मनाक था, यू इस पद के लायक नहीं, इसने इस्तीफा दे देना चाहिए, और ज्यादा इसका बहम हो तो इस्तीफा देकर दोबारा तो उच्चैन एक बार इलेक्शन लड़के ना फिर हमारी पर्ची ना पकड़ियो, फिर हम इसने मान जाएंगे एक हाँ भाई सह यू, दुख तो मारा भी है कैल का, मतलब इसने एक बात कही है नुबला जो से सरपंच मेमरी कैथर है, सरपंच मेमरी कैथर कौन लड़ दे, इबके वीरेंद्र की दुष्यंत की खाट खड़ी करांगे, इबकी वार्ता में एमपी कैथर लड़ांगे, और मेंबर सरपंच तो मारे हम जी कर जू ही बना लिया, और सबसे बड़ी गलती उन लोगों की जो मारे बीच के लोग है उसकी सुर में सुर मिला हुआ, ये तो होया थोड़ी वाला काम हो गया, पेड़ काटना था थोड़ी का वो कर लियो इस्तेमाल कर लियो, लाकड़ी थी उस थोड़ी में जब तो पेड़ कटिया, मारे अपने लोग थे इसके खुद के लोग थे दुष्यंत के, दुष्यंत ने खटखट टोल पे जो पाछा था छह महीने जो राजनीति दुष्यंत ने कराई नहीं खटखट टोल पे, जो आगू लोग थे महाराज जिसे पीछे करे गए, क्यों करे गए, दुष्यंत चौटाला के लोग घुस चुके थे, उनती पता था भाई यहाँ सिर्फ एक बार वीरेंद्र एक बार दुष्यंत एक बार चौटाला साहब, मान लो एक सिस्टम बनाए रखे 50 साल तक इन लोगों ने मारता है लूटने का, एक बार हुआ पार्टी एक बार हुआ पार्टी, भीतर बैठ गए आराम से एक मेज पे खावा थे, यह चीज हमारा समझ में आएगी थी और हम लोगों ने जागरूक करने लगे थे, तो इनकी क्या कर मामे पाछा टह दिए, सारी कमेटी बैर फेंकवा दी इनकी, इसके कुछ दल्ले थे जो खटखट टोल पे थे वह इसकी पर्ची दे गए होंगे, और माम तो पर्ची देवा को नहीं, हमने तो खुद राजनीति छोड़ गया है और हम तो खुद मतलब सड़क पै रहे हैं, और इसने पहले एक बात और कही है नुबला सिक्किम तो हमने प्रधान बनाए दी थी, सिक्किम प्रधान बनाए दी थी नी, सिक्किम नगर तक खर्चे लाए हैं, सिक्किम नगर तक पीछे खर्च करे हैं, सिक्किम ने लोगों बात जोड़कर वोट गिराए हैं, सिक्किम लेके के गई है इस पार्टी का प्रधान नहीं पद होता हमेशा करता खर्चा करने का, मैं कोई सीएम को नहीं बनाया रखी, इंतिशान क्या कहा है, और मैं तो आज भी कहूँ डिप्टी सीएम मेरे श्यामी आओ, मेरा वो दिन याद है जब जीतने के बाद गरीब लोग मेरे गले 50 महिला लेकर गई थी मैं, और उनका गला उन तीनों गया था जी मारा खान खान का राशन का सिस्टम बना दो, तो यू नुबला इनका राशन कार्ड की इंक्वायरी होगी, इतना राशन मतलब सिस्टम है हमारा, एक बात नहीं समझ में आई, हम सिर्फ सारी जिंदगी वोट दे जावा और इनके पीछे झंडे ठाए रखा इनके मैट ठाए रखा, इसे कैथर पैदा हुए हैं क्या उच्चैन आले, उच्चैन आले अपनी आवाज नहीं उठा सकते, समझ में मारा तो एक के बात नहीं समझ में आ रही आज तक, आखिर यू शान किस चीज का करा है, एहसान तो हम लोगों ने करना चाहिए, हमने 47,000 से जिताया और उस टाइम जिताया जब इसका पूरा परिवार खिलाफ था, सारे था
अक भाई यू दुष्ट है, यू अपना परिवार का नहीं होया, यू अपना गांव का नहीं होया, तो फिर ईब ईब कौन सा सिस्टम है इसका? एहसान तो हम ना करना चाहिए, यू बंदा मारे पहचान ठोकन लग रहा है, मारे तो समझता बैर है। बाकी एक बात जरूर कहा, 2024 तक हम चुप हाँ, 2024 में इसका हिसाब किताब कर देंगे। इतने ये कुछ है कहो, इनका राज है, इनका जो जी करे ये करो, हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी बहुत दुख होया कैलिस के विचार सुनकर, हमने ऐसे इंसान को मतलब राजगद्दी दुआ दी, अफसोस है हमने इस बात का भाई, हमने सोचा नहीं था, क्योंकि हमने तो सोचा था युवा है 50 साल राजनीति करेगा, इसके अंदर चौधरी देवीलाल देखा करते, पर इसके विचारों का नजदीक नजदीक भी देवीलाल को। आपने पार्टी ज्वाइन करी है? मैं पार्टी ज्वाइन करूंगी कौन जी, मैं तो छिकलीनता है, 20 साल दे दिए मैंने। 2009 में मैं ब्लॉक समिति मेंबर बनी थी, सारी महिला बिक गई, सिक्कम खड़ी रही इन एलो के साथ, 5 साल खड़ी रही, 5 साल कुंड में बैठ कर टाइम पूरा कराया, कांग्रेसी पीछे भी दे में थे और नौकरी भी दे में, नौकरी भी लेंदी पीछे भी लेंदी, आज राजनीति में एक ऊंचा पद पाऊं दी, पर नहीं, मन ने मेरी सिर्फ एक जीत थी भाई, मैं इन एलो की कार्यकर्ता हूं तो मैं अपनी पार्टी ने गद्दारी नहीं कराऊंगी, लगातार खड़ी रही, पंचायत मेंबर थी, कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल पंचायत मेंबर रही, वहां पूर्ण में बैठ कर टाइम पास कराया, क्यों? क्योंकि इन एलो का ठप्पा था, मेरा जितना भुगत भोगी कोई भी नहीं है, मैंने जिंदगी के 20 साल इन एलो का ठप्पर जेजेपी का ठप्पा के नीचे निकाल दिए, और आज ये इनकी दुश्मन ला गए सिक्किम, सिक्किम ने सिर्फ आंदोलन लड़ा है, एक वर्ल्ड वार वाला काम हो रहा था, आंदोलन लड़ा है मैंने, अपनी जमीन जमीर की लड़ाई लड़ी है, इनके के फांसी ऐरी है, क्योंकि इनकी नहीं राजनीतिक जो इनका मंच था नहीं, वो हलन लग रहा है, सिक्किम आज इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है उचैना में, वह सिक्किम जो सी कैल तक इनकी मतलब ये बार बार नु कह कर देख सिक्किम वर्गी तो कार्यकर्ता नहीं, क्यों थी कार्यकर्ता आपने भी बेरा है, क्योंकि झंडा सब ज्यादा ठाया कर दी, मेहनत सब ज्यादा कराया कर दी, इनके द्वारा 10 लुगाई कौन थी, चर चर गाड़ी लुगाइया की भरी फिरिया कर दी, इसका पाचा पाचा आज सिक्किम में क्या था इनकी मतलब बूंदी लागे, सिक्किम ज्यादा बूंदी लागे, क्योंकि सिक्किम का एक बात समझ में आएगी, अक लेन देन ना खक नहीं, साहूकारी में शक नहीं है, तो सिर्फ हमने इस्तेमाल करा है, और इस्तेमाल करके यूज थ्रू करके बाहर फेंक दे हैं, इस तरह मन अपना कैथर लड़ना शुरू कर दिया, तो इनकी फिर मैं दुश्मन लागू ना, मैंने पार्टी ज्वाइन करी जी, जहां तक मेरे समझ की बात है मैं पार्टी ज्वाइन करूंगी भी कोनी, क्योंकि मैं तो थकलीन पार्टियां के पाछा कुछ नहीं, घर तक पीछे लाओ टेम खराब करो और इनकी जय बोलो, और बने पाछा फिर इनके जूत भी खाओ, दो काम हो जी, हमने एक्सपीरियंस हो गया, जब लोगों ने कहा हाँ नौकरी ये दुआ सकते नहीं, थोड़ा तस्वीर का काम ये कर सकते नहीं, क्यों जरूरी है इनके पीछे हो सकता है, तो इसके बारे में आपका क्या कुछ विचार है? क्या कहा जी, जो चौटाला परिवार है 2024 में इनका विलय होने की संभावना है, जो चौटाला परिवार है दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला जी एक हो सकते हैं, तो आपका मत के वह है, आपके विचार सोच विचार के वह है, बेरा है जी, इनकी काट के अंडी कड़िया चढ़ा लो, राजनीति है राजनीति में आप इन्हू नहीं कह सकते, यू काम को नहीं हुआ कुछ भी हो उसका है, इनती तो आई हुई सरकार खोई है, 20 साल जो कार्यकर्ता ने दिहाड़े भर रखे, घर फूक रखे, अगर तो पैसे ला रखे, टेम ला रखे, सरकार तो आई पड़ी थी इन एलो की, इनकी घर की कलह की वजह से कार्यकर्ता का नाश होया, इनका के बिगड़ा, ईब राज में मजे यू ले रहा है, तड़के कट्ठे होकर फिर सोचा हम राज में मजे ले लिया, मरिया कौन कार्यकर्ता, तो ये मूर्ख कार्यकर्ता इनकी वोटो ना दो, ना इसी दे, ना कांग्रेस ने दो, ना इन एलो ने दो, ना जेजेपी ने दो, ना बीजेपी ने दो, ईब तो 15-13 महीने की मेहनत कर रखी हमने, हमने 13 महीना में जमा आज भी यानी समझ सके नहीं राजनीति के हर मारा कड़ा इस्तेमाल हो रहा है, और हमने के करना है, तो टिकैत साहब वाली बात है, फिर हमारे को नहीं कुछ भी हो सकता, ये तो चरण सिंह वाली बात है जी, अक भाई ये बोले किसान एक तो बोलना सीख ले, एक तू पहचान दुश्मन पहचानना सीख ले, बोलना भी सीख लिया दुश्मन पहचानना सीख लिया, तो कर दो वार संसद और विधानसभा पर कब्जा कर लो, हमारे दो रखे कैंडिडेट को नहीं, बतेरे युवा पड़े हैं जो से ये बेचारे बीए पीएचडी करे फिरे है नहीं, इतने फार्म भर दो विधानसभा संसद में, इन पर कागज नहीं संभल मावे, इस तीनों बेरा पड़ जाए देश में बेरोजगारी के है, ये तो राजा का घर पैदा होगा, ये तो आज भी राजा है, आपे दुश्मन आना इन लोगों के, आम लोग मजदूर है नहीं जो मैं दुश्मन है, इनका की बिगड़ रहा है, इनका ना आज बिगड़ रहा ना कल बिगड़ रहा, चाहिए एक और चाहिए चार और चाहे दो, नए लोगों ने मौका दो, किसी गरीब ने दो, किसी मजदूर ने दो, किसी बेटी ने दो, उन लोगों ने संसद और विधानसभा में भेजो जिन तीनों बेरा दो टाइम की रोटी घर में किस्त्रियां पका है, वह किस्त्रियां कमा के लिया जावा है, इन राज्य ने ना भेजो विधानसभा संसद, और पहली कोशिश मैं तो यह कहूं पंचायत मेंबर का टाइम ही सच्चाई कर दो, पंचायत मेंबर का टाइम एक पंचायत मेंबर जिला परिषद ब्लॉक समिति जिला परिषद अपना हाथ में हरियाणा का अपने लोग बनाओ, जो इसके ये टोल वाले इतने खटके नहीं, टोल वाले में बतेरे लोग हैं, मैंने तो राजनीति नहीं करनी जी, मैं कह दूं
ना मैं इबे राजनीति का मूड में, जब तक आंदोलन अपना पूरी तरह खत्म नहीं होगा मैं किसी ना पार्टी ने ज्वाइन करूंगी ना मैं कहीं जाऊंगी और ना मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का मूड। जिला परिषद की तैयारी थी 2014 में, वो रिजर्व आएगी। और रहेगी बात इसकी तो जिला परिषद, इसने तो लगे सिक्किम जिला परिषद लड़ेगी, क्यों लड़ेगी जिला परिषद, सिक्किम के उत्तरप्रस जा रहे हैं कि आनी जानी है, तड़के फिर बिकना पड़ेगा, हमने बिकाऊ माल को नहीं, हम इसकी तरह जे जे फिर बीजेपी का उसमें गोदी में जाकर बैठनी है को नहीं, हम सच बोलने वाले हैं, दो रोटी चाहे सड़क पे बैठ के खानी हो पर इसकी तरह गद्दार को नहीं। अरे माम मैं जिस तरह बोलने लग रही हूँ इनती मेरे के लिए थोड़े तमाशे कर रखे हैं, फिर मैं कोई डरू मरण तो ऊपर कुछ नहीं, यदि मैं मर जाऊं तो मन इस बात का भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि मन वीर आजादी की दूसरी लड़ाई है जो खत्म नहीं हुई चल रही है, जो मारा वर्गे आगू है नहीं मारे वर्गे तो मामले बेरा है, रोज समन बरना आ गया, रोज एक महिला का बरना है चार बार, जे आपके अगर आपकी कोई महिला है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, जे रोज समन लेकर आवा उस महिला सोचो के गुजर रही है, ये लोग मानसिक टॉर्चर भी करने लग रहे हैं क्योंकि इनके दिमाग में एक चीज आ रही है भाई ऐडा कोई तीसरा आदमी ना हो, इनके दिमाग में यह चीज बैठ रही है सिक्किम 2024 में इलेक्शन लड़ेगी, भाई मेरा समाज कहेगा तो मैं लड़ूंगी, जो मेरा समाज नहीं कहेगा नहीं, सिक्किम तो एक मेमोरी भी कौन लड़ दी, सिक्किम तो दो रोटी खाकर राम का पैर भी शहर का सुबह पर लोग ना जागरूक नुए करेगी कह के गए हैं ये मेरे गाँव के लोग आते क्यों आखिर कसूर किए करे हमने, तो मतलब एक दलाल चाहिए लुगाई बिना किसी चाहिए, झंडा देख ठहका ना इनकी जय बोलने वाली चाहिए, मैं झंडा ठहका जय बोल दी को नहीं, मन गलत चाहे घर दिखो चाहे मेरा गांव में दिखो चाहे बैर दिखो, मैं बोलिया मैं ना हट नहीं सकती चाहे कुछ भी आज अरे इंदी तो सिर्फ एक बह बह हो रहा है भाई खटखट टोल आला कोई ना कोई बंदा राजनीति में नहीं आ जाए, अरे राजनीति में आ जाएगा तो क्या आफत आ जाएगी, राजनीति इनके कोई दादा लाई थोड़ी है, इनके दादा लाई को नहीं, कोई इनके लकीरा में को लिख रखी, डोल में तो राजा पैदा करा जी करा उसने पैदा करांगे, और जिसके 47,000 का घमंड है नहीं, अरे कुरसिंधु में आगे इतना ऊंचा ऊंचा बोलिया है, मामने टे मान दे टे मान पर जवाब देवांगे, इबे तो हम चुपे हाँ हमने क्या करना है, मारा क्या करेगा यो, जो मारा आर्थिक मानसिक जो भी जो मारा लोस करना था कर दिया इसने, ईवकरण कराने कुछ नहीं, मैं तो सबता जोड़ के विनती करूं, जे जे पी तो एक डूबता जहाज है इसकी छोड़ दो, इनका अल्लाह पल्ला कुछ नहीं ना कौन सी पार्टी में नहीं, मैं तो यार सारी पार्टियां ने दरकिनार ला दो, कोई किसान पार्टी बना लो और नए नए चेहरे लिया और कब्जा कर लो, इनती भी बेरा पट जाए घर बैठन का ठीक है नी, एक बार लाइन पे ला दो विधानसभा संसद में, इनकी बढ़न ना दो जो सही फिलहाल संसद और विधानसभा में, मैं गारंटी दे अपना भारत नहीं बदल जाए, अपना हरियाणा नहीं बदल जाए, पर आपने लड़ना पड़ेगा, लड़ना कोई नहीं चाहता, अख भगत सिंह तो पैदा हो जाए पड़ोसी अगर पैदा हो जाए, पड़ोसी का अगर हम भी पैदा हो या अच्छा कौन लगता है इन लोगों ने, कड़े कर सिंदूर कड़े सप्पा खेड़ी वो काम हो रहा है भाई, इन महफिल किसी की जिक्र किसी के, हमने दुखावा है भाई हम मेहनत करके गए हमने कोई थोड़ा ही कराया है, हम तो फिर भी दोबारा तो एक के बात कहूं जी, यदि सत्ता परिवर्तन नहीं करनी ये कांग्रेस में कूदेंगे कुए बीजेपी में कूदेंगे ये क्या है में कूदेंगे, हमने चेहरे को नहीं बदलने जी, हमने सत्ता परिवर्तन नहीं करनी, हमने चेहरा परिवर्तन नहीं करनी, हमने व्यवस्था परिवर्तन करनी है, और व्यवस्था परिवर्तन जब होगी जब नए नए बालक उसने पीएचडी करे फिर इनका तो उचियाना से आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे चटूने की पार्टी से, पहली बात तो है पार्टी का मेरा पार्टी से तो मैं नहीं लड़ूंगी, रहेगी बात गुरुनाम छडूनी की, यदि गुरुनाम छडूनी हमें टिकट देते हैं और उसके बाद मेरा एरिया मेरा जो एरिया है मेरे जो 66 गांव है जे वे चाहेंगे हाँ मेरे अंदर इसमें कोई काबिलियत है यार भाई आज जो आप मैदान में तो आऊंगी, यदि मेरा परिवार ने मेरा खाप ने मेरा गांव ने मेरे को मना कर दिया मैं इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ूंगी, चाहे गुरुनाम जी पर्ची ले और वो कह रहे हैं मतलब मेरा नाम ले खड़े रहियो भाई मैं सिक्किम ने कैंडिडेट तारू हूं, जब तक मेरा समाज मेरे को जो मेरा धरातल है जब तक वो नहीं कहेगा मैं मैदान में नहीं आऊंगी, आम लोगों की भावनाओं के साथ हूं मैं, जे मतलब राजनीति करनी थी तो फिर इस जेजेपी में इस दुष्ट में कौन सी फांसी आ रही थी, अच्छी सूत्री चल रही थी अध्यक्ष थी उचाणा की, राजनीति ऐडे करूं मैं मन्ना की जरूरत थी ऐडे सड़क पर धक्के खाने की, जो ये चौधरी इनू कवे है नी अगर भाई इनू कर दिया इनू कर दिया, सिक्किम तो उचाणा की अध्यक्ष थी आचे सूत्रे काम लिखे आचे लोग इनका मारे जुकर सलाम मारे भी मारे, मन्ना राजनीति नहीं करनी जी मन्ना समाज सेवा करनी है, और जे समाज सेवा कहकर राजनीति में आना पड़ेगा आम लोग मने लेने के लिए तैयार होंगे तो आऊंगी, अपनी मर्जी तो नहीं आऊंगी भाई मैं कड़ी गई रजाय टिकट पकड़ लिया लोगों ने कह दूं मैं तो टिकट लिया मन्ना वोट दे दियो ना जी यू काम नहीं होगा, समाज प्लेटफार्म देवेगा समाज तारेगा, सबसे पहला मेरा गांव है जी मेरा घर है उसके बाद मेरी खाप है उसके बाद फिर मेरा पूरा उचाणा है, जो कहेगा हाँ बेटा तू इस मैदान में आ और हम आपके साथ हैं तो मैं मैदान में आऊंगी, नहीं जी आपने कोई शोक नहीं इस राजनीति का, हाँ
जिसकी खाट खड़ी करनी होगी ना उसकी खाट खड़ी कर दूंगी, या गारंटी है इतना इतना सिस्टम बनाए दूंगी 66 गामा में, जिसने सिक्कम चाहोगी उसने तो जिताओगी, जिसने सिक्कम चाहोगी उसने रावेगी। और इस दुष्ट ने भी नु पूछ लियो कितने वोटा का सारा ला रखा है, या जो महिला शक्ति है नी इसने जागरूक करने का काम मैंने ठहर किया है। अप्रैल से मेरा मिशन है 2024, जिस कैंडिडेट को हम चाहेंगे उसकी जिताएंगे, जिसकी हम चाहेंगे उसकी हरावेंगे। मारा मैदान माना कोई जरूरी नहीं, पर मारे लोग आवेंगे या कड़वी सच्चाई है उच्चैण से तो एक नया नया चेहरा होगा, और ऐसा चेहरा होगा जो पहला उच्चैण की दशा दिशा बदलेगा, फिर हरियाणा की बदलेगा, फिर पूरा भारत की बदलेगा। और कुछ जी खैल का गुस्सा दिमाग पर हो रहा है, बस पूछो मत भी। ऐसी बातें सुननी पड़ रही है किसाना की, जो किसाना ने अपने बेटे खोए है, 750 बच्चे खो दिए अपने, उन पर श्रद्धांजलि तो दो शब्द श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकी, दो शब्द श्रद्धांजलि के नहीं दिए, दो मिनट मौन नहीं रखा, और बड़ी बड़ी आंका है, किस कदम पर आंका है, वोट हमने दे रखे हैं तो पर्ची देने का बीमार आई है, पर्ची भी देवांगे हम जे वोट दे रखे हैं, और जे इसका बैम है दोबारा आ जाए मैदान में फिर बताया जाएंगे इतना पर्ची देवा करना, जे पीपा ने बजांदा तो ले जाए तो मैं जी नहीं मानिए नाम ने भी, हम जे देन जाना नहीं खोसन दनु हाथे जाना। मैंने पहले भी कहा था उच्चैण वालिया का एक के काम है, काम बनो ना बनो मरोड़ जरूर कट दिया कर, हरीब का मरोड़ एक ही को नहीं दोवा की काटांगे, दनु साफ से मारा गेला चे कुछ बन जियो। सिक्किम जी चौधरी वीरेंद्र सिंह बोल रहे हैं कि कुछ डेट रखी उन्होंने कि 2 साल पहले हम दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपके क्या कुछ विचार है, क्योंकि जो पार्टी बनती है उसी में एक राजनीति का बादशाह कहा जावा इसको चौधरी वीरेंद्र सिंह को, लेकिन कोई भी पार्टी आवा है जो सत्ता में आने के चांस हो उसे में मिल जाए हैं, तो इसमें उचाणाई जनता के क्या कुछ विचार हैं? एक के बाद सोच रखी है जी हमने, हमें ना तो किसी पार्टी को वोट देंगे उचाण वाले, ना किसी चेहरे को वोट देंगे, हमने आदमी का करेक्टर देखना है, यू बंदा है किसा। चौधरी वीरेंद्र सिंह 50 साल में एक बार तो चौटाला ने फद्दू बनाए लिए, एक बार वीरेंद्र ने बनाए लिए, तो हम इनते छिक लिए, ये जो काट के आंडी थी वह चढ़नी थी, जितने दिन चढ़ ली रोज रोज नहीं चढ़िया कर दे, हम तेन कहा भी अपने घर बैठ जो कोई फायदा को नहीं, ईब कौन चढ़ाया काट के आंडी, चाहे वीरेंद्र पार्टी में पार्टी मिला लियो, चाहे घर में घर मिला लियो, हमने इस बात का कोई मतलब नहीं, हमने दोनों जैड़ लिए पिछोड़ लिए, और जैड़ पिछोड़ कर कूण में धर दिए, ये हमारा एक के मकसद है भाई, हमने हुए बंदे लेके आने हैं जो हमारा समाज ने बदल सके। भूखमरी के हालात पे आज भारत हरियाणा के है यू खट्टर, तीसरा दिन ने बोला 75 पार कड़ा गया, 75 पार क्यों हमारा फद्दू बनाए रखे है, अकरेंडिया की सरकार और झूठिया की बौछार है, झूठिया की बौछार हो रही है, तो 75% नुबले अगर 84 लागेंगे कहना हमारे बालक 84 लागण कैथर है के, 20 लागण कैथर तो सरसाले हैं, अरे के कहते 84 लागण कैथर उच्चैण वाले हैं, क्या है मारे बालकन भी लै दो डीसी कमांडो लै दो डीसी लै दो एसपी लै दो, मारे बालकन पढ़ कोनी बतेरे पढ़े पढ़े लिखे हैं पर मारे पर क्या जगह कोनी, इनके पाछा झंडे ठाए खड़े रहा, हाँ ये झंडे ठाण की तो कर दो टाला, और अपने बच्चे ने पढ़ाया कहना है, और इनका नासा मंडा देकर रोजगार लियो, और समय रोजगार पे ध्यान दो, और नौकरी नाकरी कोनी इनका पल्ला कुछ कोनी, नंगड़ा ने सब कुछ बेच दिया है के इनके पल्ला, यू दूसियन देख लिए चाहे तो यू बीजेपी में जय मिलेगा, और नहीं ये कह रहे हैं सारा परिवार एक जगह वो जगह, पर आनी जानी कुछ को नहीं, अब की बार राजनीति के नए आयाम होंगे, 13 महीने में जो हमने कमांडो की पुलिस की वह ट्रेनिंग पूरी करी है नी, और जो दिमाग में राजनीति का फतूर था वो तैर के नाम ने, क्रांतिकारी जो विचारधारा हमारा समझ में आई है, हमारा नु समझ में आई राजनीति कड़ा चल रहा है, हमारा नु समझ में आएगी अगर भाई राजनीति गांव में तो मेंबर सरपंच का चल रहा है, भ्रष्टाचार ऐडा तो हर जे भ्रष्टाचार रोकना तो ऐडा अच्छे लोग ले जाने हैं, और विधानसभा संसद में कानून बना है ओडा कब्जा करना है, जब यह चीज सारा समाज के समझ में आ जाएगी नी, अरे एक जगह वोटिंग होगी जहां किसान और मजदूर वोटिंग करेगा, वो दिन दूर को नहीं है तो खड़े खड़े लिखावेंगे, जो गरीब नमस्ते करया कर दे नू भाजया कर दे, जो लठ ले कुत्ता गेला फिर करा है, कल को पता नहीं बोला मैं तो क्या कर रहे हैं वो खराब करने का इथर को नहीं आया, माहौल खराब करने का इथर है तो जानता, पर इसने नू वेरा थोड़ा बिघन हो जाएगा, क्योंकि इनके तो कदे कंडेला कांड और कदे महम कांड वेरा नहीं उचाणा कांड कुकर बच गया, ये तो कांड करवाने फिर था सिक्किम जी 75% का जो मौजूदा सरकार आरक्षण ले गई थी कि हरियाणा की युवा लगेंगे, लेकिन अभी हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, तो दुष्यंत चौटाला जी कई दिन पहले लाइव आ रहे थे उसमें बोल रहे थे कि अब 75% हमारे हरियाणा की युवा लगेंगे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उस पर
रोक लगा दी है, तो अब दुष्यंत चौटाला जी बोल रहे हम फिर प्रयास करेंगे इसको लाने के लिए। क्या प्राइवेट ही नौकरी बची है या सरकारी कोई विभाग में नौकरी नहीं बची है? क्योंकि 75% युवा है वो प्राइवेट में धकेले जा रहे हैं। सरकारी महकमे तो सारे बेच खाए इनती, अगर की बहर काका लिखनिया, एक जना तो लागू करावे है, दूसरा उस पर स्टे लेवा है, कुछ को नहीं जी, इनका जी करे जुकर करो। मैंने एक के बात कह दी, अगर की सरकार है जी करे वह तो पहला दिन 75-75 पार 75 कर रहे, अगला दिन उस पर मतलब कोर्ट स्टे ले है, कोर्ट ने ये थापे कोई है, इनका तो गरे की सरकार, गरे का कोर्ट, इनका कुछ नहीं। हमने 13 महीने में यह बात समझ में आएगी, इस जैसी गंदी और भ्रष्ट सरकार नहीं देखी हमने, ये किसे कोर्ट ने नहीं मान दे, इनका तो खुदे का घर का कोर्ट है। अरे 75% में था के कितनी फैक्ट्रियां अपने हरियाणा में, फैक्ट्रियां बहुत कम है। और मारे मारे जो पीएचडी वाले ने बेरा कड़ा कहा था नुबलिया, जो 15,000 से 25,000 की पे है नी, उन पे ही आरक्षण था 75% आपने बता दिया। मारे बालक सिर्फ चपड़ासी लागण कैथर, कलम पिटन कैथर है, और बॉडी गार्ड लागण कैथर रह गए के कुछ को नहीं, जुमला था जुमला फैल हो गया ठीक से, रेंद कटी टंटा मिटिया नहीं, मारे बालक और इनका पाछा झंडे डंडे ठा में भाई 75% में कड़ी कड़ी नंबर आ जाएगा। मारी इनती युवा पीढ़ी गैर दी, मारी सारी जिंदगी गैर दी रही, बागे मारे बच्चे आगे गाड़न की ये सोच रहे हैं, दादे पड़दादे इनका पाछा झंडे ठांदे ठीक लिए, ये दुश्मन कहता लग ऐसी कमीनती, क्योंकि हमारी चार पीढ़ी ने इनका पाछा डंडे झंडे ठह लिए, और मेरे चौथी पीढ़ी में समझ में आई कुछ को नहीं इनका पल्ला, ये तो फद्दू बनावा अगर तर पिए लुआ में, और बकवास बाजी इनका कुछ नहीं है। सिक्किम जी, जो अपना हरियाणा बेरोजगारी है, आप कितने परसेंट मानो हो, कितने परसेंट बेरोजगारी है? मेरे हिसाब से तो मैं ये मानू हूँ 100 में से 10 बालक नौकरी पे है को नहीं, 90% बेरोजगारी है हरियाणा के, तो इतने बुरे हालात हैं भाई, जो खेती करे हैं खेती में नहीं कुछ होता, कि मैं तो यह सरकार मार दे कि मैं ये राम मार दे, फिर इनके रोज कह रहे हैं वजन तो कम खाद का, अरे कह रहे हैं खाद कह रहे हैं रेट ज्यादा, गेहूं बोन जावा डीएपी नहीं, जे थोड़ी सी ऊपर हो है मतलब मारी गेहूं जिस टाइम आप पानी दिया करा उस टाइम यूरिया नहीं, बेचन जावा मारे दौरे बाह नहीं, तो मारे गेला तो इसी बन रही है, इसी तो पूछा ना रही खुई कसर यू राम रोजे पर सिया रवा है, फिर गिरदावरी कराने रहो, गिरदावरी करावे तो उसमें 10% के रुपये नहीं मिलते, मारा है केक रहे उसमें तो पीसे तो काटेंगे 1600 रुपये जो ये बीमा के पीसे काटे, रुपये देव मामने 1000 मारी तो ऐसी ब्रियान माटी करके इसी क्या ना करे कोई किसान वर्ग का, तो मतलब टेंशन में आज का टाइम कोई है ही नहीं। और मैं तो एक बात और कहूं जी, जो ये किसान है ना, किसान जैसे सड़का पर लड़े हैं, जिस दिन जुमान लड़न लग जाएंगे ना, यूपी में लड़े थे जैसे, देखो आप योगी ने कैसे उन पर अत्याचार कराया था, जिस दिन पूरा हरियाणा के बेरोजगार खड़े होकर इन पर रोजगार मांगेंगे, नहीं तो बात जे भी नहीं थे कुर्सी छोड़ के बात जाएंगे, ये तो मैं तो कहूँ ये बालक क्या थरगरा बैठे हैं, चलो जो पढ़न लग रहे हैं तो दूसरी, जो मारे युवा रोजगार बेरोजगार है, मैं कहते बैठे कद केस ना हो जाए भाई, मामने कद नौकरी ना मिला है, मैं उन भाइयों दर उन बहन तेन कहूं ना, तो एडा के करे नौकरी मिलती जी करे नहीं, इतने केस करा लियो पर एक बारी सत्ता ना बदल दो, पेंडा छुटवा लियो इन तक उत्ता तक। सिक्किम जी जी बेरोजगारी तो एक गुंडागर्दी का अड्डा बन गया है, तो दिन प्रतिदिन कोई ना कोई घटना हुआ है, तो उसमें गोली चलने की बात आवे कि सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, फलाना का गोली मार दी, आज उसका गोली मार दी, कुछ इस तरह के रोज की वारदात आ रही है। अड़ा जी ना शिक्षा ना सुरक्षा ना स्वास्थ्य, हमने फरी चंदा को नहीं का 2 किलो नाज, हमने शिक्षा दे दो, सुरक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो, जब हमने नौकरी देवेंगे काम देवेंगे, हमने क्या जरूरत है इनके 5 किलो नाज की, इनकी माम फद्दू बनाए रखे हैं, 5 किलो नाज देवे हैं, ये तनु चावा आने वाला टाइम में कच्छाधारी सिर्फ जीना ही और पेट भर के सोना ही विकास रह जाए, अरे हम ही से व्यवस्था के खिलाफ लड़न लग रहे हैं, और हमारा कोई इनका गिला कोई मानसिक या मतलब पारिवारिक थोड़ा कोई मतलब मन मुटाव है ना, मन का कोई मुटाव, सिर्फ इनके विचारों से मन मुटाव है हमारा। एक और बताओ, हरियाणा में जो डोमिसाइल था वो 20 साल का बनाया करता, 5 साल का कर रखा है, तो सोचने की बात है कोई बिहारी तो ऐडा 20-25-25-30-30 साल पुराने हैं बेचारे, जब डोमिसाइल बनाए लेंगे हरियाणा वाले किसके जाओगे, इसका और बताया जो कड़ा है वो 75% है, मारी तो इनकी सारी चुगरदा माटी पीटर की है, इनके कानून वह बनाए रखे हैं, इनके पड़ोसी तो इनकी आचे लागा हम लागा बूंदे, वोट तो चाहिए हरियाणा वाले पे,
अरे रोजगार देवे ये कदे बिहार वाले ने कदे कड़िया वाले ने। हरियाणा में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी जितनी बेरोजगारी इस सरकार ने करी है 7 साल में। 5 साल तो मारे नहीं समझ में आ रही है सरकार के एक रहा है फलाना मिशन दिकड़ा मिशन सवेरे तक सांस तक इनके मिशन चल रहा है। अब सफाई अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहां है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सारी तो किसाना की बेटी सड़क पे बैठी, सारी आंगनबाड़ी सड़क पे बैठी, सारी आशा वर्कर सड़क पे बैठी, सारी ड्राइंग टीचर सड़क पे बैठी, पीटीआई टीचर सड़क पे बैठी। तो हमने नू तो बताया दो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है कड़ा है, अब सिर्फ बोर्ड लाने तो काम चल जाएगा। इब हम इतने पागल को नहीं रहे भी बोर्ड पढ़ के ने सोचा सरकार सही चल रही है। बेटियां का तो कोई जगह ही कोनी, बेटी तो चूल्हा नहीं चला सकती आज, बच्चे नहीं पाल सकते हम अच्छी तरह अपने। इतने बुरे हालात बना दिए इनते, ना कोई सरकारी सेक्टर छोड़ ना कोई प्राइवेट सेक्टर छोड़ा। महिलाओं की तो इतनी दुर्गति है कि 5 बजे पाछा हम बाहर नहीं जा सकते। हरियाणा थोड़ा इनकी तो पाकिस्तान का गुंडा काम करती है। 100 में से 10 आदमी नौकरी पर रोजगार पर है, लेकिन आपको मैं एक बड़ी बात बताने वाला हूँ कि जो अब नया आंकड़ा आने वाला है उसके जरिए जैसे ई श्रम कार्ड बन रहे हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना ई श्रम कार्ड बनवा रहा है और ई श्रम कार्ड में कोई न कोई रोजगार दिखा रहा है उसमें, तो वो अपने लाभ के लिए दिखा रहे हैं। लेकिन नया आंकड़ा आने वाला है उसमें पूरा हरियाणा रोजगार पर दिखाया जाएगा, एक बड़ी बात ये सामने है। तो